नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं और देश का सवाल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है कोरोना वायरस। एक देश से होते हुए ये दुनिया में 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 81 मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह देश में कोरोना पीड़ित बढ़ रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाला है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, मॉल बंद किए जा रहे हैं, ऐसे इवेंट रद्द किए जा रहे हैं जहां भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बचे 2 वनडे मैच को भी रद्द कर दिया गया है। एक तरह से कहा जाए तो आधा देश कोरोना के चलते बंद हो चुका है। सरकार कोरोना से जंग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। आज हम देश का सवाल में यही समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के खात्मे का आखिर मास्टर प्लान क्या है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा। आज का डिसीजन पे सम्मान्य येदियुरप्पा जी, मुख्यमंत्री जी, आज डिसीजन ले लिया। एक 1 वीक के लिए एक कोरोना वायरस तो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए स्विमिंग पूल्स, सिनेमा थिएटर्स, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस सभी 1 वीक के लिए बंद कर दिया। इसलिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी, ये आज कर्नाटक सरकार आज डिसीजन ले लिया। 1 वीक थोड़ी। ये बीमारी वो कहर है जिससे दुनिया कपकपा रही है। जी हाँ, महामारी उस शब्द को कहा जाता है। ये वो बीमारी है जो कि एक ही समय दुनिया के अलग अलग देशों में एक साथ फैल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये वो कोरोना वायरस है जो कि इंसान से ज्यादा अर्थव्यवस्था के लिए महामारी बन गया है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब ने आज एक कविता कही है और वो कविता उन्होंने कही है जिसकी चंद लाइनों से शुरू कर मैं देश का सवाल शुरू करूंगा। जी हाँ, बच्चन साहब ने कहा, हम कहत हैं हमऊ कर देत हैं जो सब कह दे, और इसके साथ साथ हम नहीं जाने कोरोना फरोना ठेंगा दिखावे अब। जी हाँ, तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो इंडिया न्यूज दर्शक देख रहे हैं, ये आपकी जरूरत के लिए, ये आपके परिवार के हर सदस्य की जरूरत के लिए है कि आखिर आप इस कार्यक्रम से 1 घंटे तक ना हटे, क्योंकि इसमें आपकी रहनुमाई की, आपके सेहतमंद रहने की चर्चा होगी। इसके साथ साथ आपके जेब पर जिस कोरोना ने डाका डाला है, मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे। तो आइए देश का सवाल शुरू करें। उससे पहले मैं आपका मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ जी हाँ शरद कोहली साहब, आप अर्थशास्त्री हैं, आपका अर्थशास्त्र पर गहरा अध्ययन है। आपसे हम पूछेंगे कि आखिर ये महामारी अर्थव्यवस्था को कैसे चोट पहुंचा रही है, और न केवल भारत बल्कि सारी दुनिया में इसकी चोट से अर्थव्यवस्था गंभीर घायल है। हमारे साथ योगेंद्र कपूर साहब। जी हाँ योगेंद्र साहब, आप बाजार के जानकार हैं कि बाजार में जो ऊंच नीच हो रही है, सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? कोरोना के चलते कई सेक्टर धराशायी हो रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, ना कि ये बल्कि क्रिकेट मैच तक को ही बगैर दर्शक के देखना होगा अगर हालात नहीं सुधरे। देश भर में 13 से ज्यादा राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टरों का भी पैनल होगा। जी हाँ, डॉक्टरों में डॉक्टर के अग्रवाल। जी हाँ, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक। जी हाँ, डॉक्टर रवि मलिक साहब बच्चों के डॉक्टर हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये कार्यक्रम छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि इसमें आपके परिवार की, आपकी और आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जेब की चर्चा होने वाली है। मेरे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। जी हां, तो आइए हम सबसे पहले शुरू करें। हमारे साथ शरद कोहली साहब मौजूद हैं। शरद जी, बाजार अर्थव्यवस्था पहले से ही टूट चुकी थी। पहले से टूटने के साथ साथ आपको नहीं लगता कि ये करेला और नींद चढ़ा? बिल्कुल मनीष, लगता है। और क्योंकि आपने अमिताभ जी की कविता से शुरू किया तो मेरे मन में भी चार लाइनें आई जो कि मैं खासकर शेयर बाजार के लिए कहना चाहूंगा। हालांकि आज शेयर बाजार ने कुछ थोड़ी सी राहत ली, 1300 कुछ पॉइंट की उसमें उछाल आई वापस, पर हम ले जब 41-42 हजार वो पहुंचा हुआ था, वहां से आज तक ये बहुत बड़ी टूट इसमें हो चुकी है, बहुत टूट चुका है। और दो लाइन में अगर मैं बयान करूं उसको तो दिल के अरमा बाजार में बह गए। दिल के अरमा पुराना गाना है मनीष, दिल के अरमा बाजार में, फिल्म का गाना, बिल्कुल निकाह फिल्म का सलमा आगा जी का गाया हुआ गाना है। दिल के अरमा बाजार में बह गए, हम स्क्रिप्ट एवरेज करके रह गए, शायद आखिरी फॉल हो ये बाजार में, हर करेक्शन पे हम ये सोचते रह गए। और जब जब लगा कि अब इससे आगे नहीं गिरेगा, वो और गिरता गया। ये तो रही शेयर बाजार की बात। और शेयर बाजार क्यों ना गिरता, जिस तरीके से कोरोना वायरस ने मनीष पूरी की पूरी दुनिया को इस समय अपनी चपेट में ले लिया है। हम भारत में बैठ के सोचते थे कि भाई चाइना में आया है, इटली में चला गया, ईरान में चला गया, यहां तो नहीं आएगा। आज वो गिनती 80 से ऊपर चली गई है और नए नए राज्य उसमें जुड़ रहे हैं। और इटली में जो मनीष शटडाउन, लॉकडाउन हुआ है, रोम से लेके मिलान तक पूरा का पूरा इटली करीब करीब बंद पड़ा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहीं भारत में ये लॉकडाउन की नौबत ना हो। हालांकि उसकी झलकियां यहां देखने को मिल रही हैं। आईपीएल कैंसिल, बेंगलोर में मॉल्स, दिल्ली में स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल्स, मुझे लग रहा है हम कुछ कुछ उस हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात है दर्शकों की जेब की, क्योंकि आपने जेब पे ध्यान दिया, सभी दर्शकों को इस आज देश के सवाल को जो देख रहे हैं उनको हम यह सलाह देंगे कि आप जहां बहुत जरूरी हो वहां जाइए, वरना मत जाइए। खर्चा भी आप वही करिए जो आपको महसूस हो रहा है कि बहुत जरूरी अभी करना है। थोड़े से अपने रिसोर्सेस को बचा के रखिए, क्योंकि साहब मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेडिंग पे, सर्विसेज पे, एंटरटेनमेंट पे, एविएशन पे, टूरिज्म पे, हॉस्पिटैलिटी पे कोई ऐसा सेक्टर मनीष इस समय बचा नहीं है जहां पर असर ना हो रहा हो। चाइना से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके वापस साउथ ईस्ट एशिया तक पूरे की पूरी विश्व में व्यापार की समस्या आ गई है। ना माल आ रहा है मनीष, ना जा रहा है। पुरानी फिर अब क्योंकि फिल्मों का जिक्र आया, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, ह्यूमन मोबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। बिजनेस मीटिंग्स नहीं हो रही, बिजनेस डेलीगेशन नहीं जा रहे, बोर्ड मीटिंग्स नहीं हो रही, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही। तो जब लोग मिलेंगे जुलेंगे नहीं मनीष, तो भला बिजनेस कैसे होगा? और अगर बिजनेस नहीं होगा तो आपकी हमारी जेब सीधा सीधा उस पर असर पड़ेगा। जी, तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि यहां पर न केवल हम इसके बचाव, सावधानी, उसके अलावा अगर आपकी जेब पर जो डाका कोरोना ने डाला है उससे बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो आपने शरद कोहली जी को सुना, मेरे साथ योगेंद्र कपूर साहब भी हैं, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर के.के. अग्रवाल, चूंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, मैंने आपसे जो वादा किया है 1 घंटे तक आप लगातार इंडिया न्यूज देखें, क्योंकि इसका सीधा वास्ता आपसे है, आपके परिवार के हर सदस्य की सेहत से है। जी हां, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसीलिए आज ये देश का सवाल है। डॉक्टर के.के. अग्रवाल साहब, ये ऐसी बीमारी दिखाई दे रही है जिसका कोई इलाज नहीं, और इलाज नहीं तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसके इलाज में लग चुका है। सबसे पहले आप सब लोगों को कोरोना नमस्ते। पहले मैं एक ऐसी न्यूज देता हूं जिसमें पैनिक हट जाएगा, और वो न्यूज है कि अगर पूरे वर्ल्ड में लेके चले तो चाइना में सिर्फ 54 पर मिलियन लोगों को ये बीमारी आई। दैट मीन्स 10 लाख लोगों में सिर्फ 54 लोग सफर किए। अमेरिका में इट इज 4 पर मिलियन। इटली में इट इज 250 पर मिलियन. इंडिया में अभी 0.1 पर मिलियन पॉपुलेशन को कोरोना हो रहा है. सो अगर हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो भी लेके चलें कि इंडिया में चाइना भी अगर रेप्लिकेट करता है तो 50 पर मिलियन के हिसाब से हमारी कंट्री में 15 से 20,000 से ज्यादा सीरियस लोग नहीं होंगे. और क्योंकि हमारे यहाँ पे 2.5 महीने के बाद आएंगे ये सीरियस पेशेंट्स, तो हमारे पास में चाइना का एक्सपीरियंस है, इटली का एक्सपीरियंस है, साउथ कोरिया का एक्सपीरियंस है. साउथ कोरिया ने लेसन लर्न करके अपनी मोर्टेलिटी रेट को 0.6% कर लिया है, यानी कि सबसे कम मौतें साउथ कोरिया में हो रही हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज होने के कारण से पैनिक नहीं, ये जो मार्केट गिर रही है ये नीजक रिएक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है. मार्केट आज नहीं तो कल इंप्रूव करेगी, क्योंकि ये बीमारी आती है, ठीक है, प्रिकॉशंस लेनी है, मंजूर है, लेकिन कंट्रोल ये होगी. 1 महीने आए, 2 महीने आए, ये ऐसी महामारी नहीं है कि ये जो स्पेनिश फ्लू था कि ये 2 करोड़ लोगों को मार देगी. ये उस प्रकार की महामारी नहीं है. ये महामारी सिर्फ हमारे को ये सिखाने आई है कि आप हाथ जोड़िए, आप अपने हाथ को साफ करना सीखिए, आप डिकंटामिनेट साफ करना सीखिए, खांसी के एटिकेट सीखिए, रेस्पिरेटरी हाइजीन सीखिए, ताकि आपको कोरोना तो क्या, फ्लू, टीबी, डायरिया, जॉन्डिस और साथ में टाइफाइड, ये बीमारियां भी साथ के साथ में खत्म हो जाए. तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट को पैनिक करना चाहिए. सारा नीजक रिएक्शन है और ये नीजक रिएक्शन हटना चाहिए और मार्केट को अपने आप से स्टेबलाइज होना चाहिए. डॉक्टर अग्रवाल साहब, एक और बात सामने आ रही है, जैसा कि आपने कहा छींकों को लेकर, छींक हो, खांसी हो, उसको ये कहा जा रहा है कि हाथ पर ना छींकें. कोहनी को लेकर अगर आपको छींक आए तो कोहनी बढ़ा दें, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ये एक बचाव का साधन भी हो सकता है? सिंपल फार्मूला, मैं 2 फार्मूले आप लोगों को सिखाता हूं. पहला फार्मूला है कि अगर आपको सिर्फ खांसी है तो वो पॉल्यूशन है, खांसी के साथ में जुकाम है तो वो एलर्जी है, खांसी के साथ में जुकाम के साथ में बुखार है तो वो फ्लू है, और अगर आपको खांसी नहीं है, सोर थ्रोट है, गले में खराश है और बुखार है तो वो स्ट्रेप्टोकॉकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर आपको खांसी के साथ में बुखार है और सांस फूल रहा है तो वो कोरोना लाइक इलनेस है. तो हर इलनेस कोरोना लाइक इलनेस नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपका सवाल क्या था, मैं दिमाग से निकल गया. मैंने आपसे ये कहा कोहनी के ऊपर में, अब ये जो चीज खांसी है, जब भी आप खांसते हो, हाँ, जब भी आप खांसी करते हो, जब भी आप खांसी करते हो तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हाथ के ऊपर खांसी करते हो, वो नहीं करना. आपने क्या करना है, खांसी करने के लिए सिंपल सर्जिकल मास्क आप पहनिए. सिंपल सर्जिकल मास्क के 2 हिस्से होते हैं, जो हिस्सा कड़ा हुआ होता है वो ऊपर होना चाहिए और इसके बाद में आप मास्क को पहन के रखें अगर आपको खांसी आ रही है. ये 1 रुपए का सिंपल मास्क है, बाजार में अगर आपको नहीं मिलता तो आप घर के अंदर में आप सिंपल रबड़ बैंड से आप इसको बना सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए. सिंपल रबड़ बैंड से आप टिश्यू पेपर के साथ में इसको आप बना सकते हैं अपना और आप इसको पहन सकते हैं. तो ये सिर्फ उन लोगों को पहनना है जिनको खांसी और बुखार है. आम जनता को ये पहनने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को ध्यान में रखना होगा. ये नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है. अगर आपको खांसी जुकाम है, और वो आज के लिए नहीं है, पहले भी था ये, पहले भी हम यही कहते थे कि जिन लोगों को खांसी जुकाम है, फ्लू है, वो मास्क को पहने. जब स्वाइन फ्लू आया था तब भी हमने यही सीखा था, उसके बाद में भूल गए. तो ये जो मास्क, और जाके हम कहते हैं खांसी करो, अगर आपके पास में ये नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो हाथ पे खांसी करो. हाथ पे खांसी क्या करोगे आप, इससे तो वो जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो नीचे गिर जाएंगे, जमीन के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में गिर जाएंगे. तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोरोना की ये कोई नई चीज है. कोरोना इज ओनली रिमाइंडिंग अस कि आपको बीमारी से बचने के लिए, आपको बीमारी से बचने के लिए ये एटिकेट्स दोबारा से सीखने होंगे. डॉक्टर अग्रवाल, आपसे, आपके पास मैं फिर एक बार आऊंगा. मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट, जी हां, मार्केट एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर साहब भी मौजूद हैं. योगेंद्र जी, नई चीज है, कोरोना इज ओनली रिमाइंडिंग अस कि आपको बीमारी से बचने के लिए, आपको बीमारी से बचने के लिए ये एटिकेट्स दोबारा से सीखने होंगे. डॉक्टर अग्रवाल, आपसे, आपके पास मैं फिर एक बार आऊंगा. मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट, जी हां, मार्केट एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर साहब भी मौजूद हैं. योगेंद्र जी, दलदल में दलाल स्ट्रीट. देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक पैनिक का नहीं, प्रिवेंशन का टाइम है. चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो जनरल पब्लिक है, हमको ये समझना है कि हमारी अगर फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तभी हम हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो है ठीक हो सकती है। इस टाइम बहुत जरूरी है कि जो भी आदमी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको ये देखना है कि आगे का पीरियड बिजनेस कॉन्फिडेंस वाइज जो है क्योंकि अनसर्टेन है, तो बहुत जरूरी है कि उसको जो है फोकस और कंसंट्रेट करना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा उसको एक फोकस रहना है कि उसकी रिटर्न ऑफ कैपिटल जो है वो आना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे में अगर वो कोई भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करता है या किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर जाता है तो उसको एक रिस्क एलिमेंट जो है वो साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो डिमांड्स हैं वो जो है धीरे धीरे फॉल कर रही है और इसको फर्दर क्रिएट होने में जो है अभी टाइम लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी जो जनरल पब्लिक है अगर उसको स्टॉक मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना है तो उनको एक एक्सपर्ट की एडवाइस लिए बगैर जो है अपने आप से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है वेट एंड वॉच का है। जी योगेंद्र जी, डॉक्टर अग्रवाल आपसे एक बड़ा लाजिम सवाल है। सवाल ये है कि क्या सरकार देर से जागी कोरोना को लेकर? जैसे अगर आप बात करें तो चाइना में 9 जनवरी से ये हाहाकार होना और स्क्रीनिंग का जो मसला था ये शुरू हुआ, लेकिन भारत में चुनिंदा हवाई अड्डों को अगर आप देखें तो चुनिंदा चंद हवाई अड्डों पर ये 19 जनवरी से शुरू हुआ। तो आपको लगता है कि सरकार कोरोना को लेकर सतर्क नहीं हो पाई और जो कदम उठाने चाहिए थे उसमें देरी हुई? सी 10 जनवरी से मैं इस वक्त में प्रेसिडेंट हूं कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशनिया। 10 जनवरी से हम इसके बारे में लिख रहे हैं और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया को ही नहीं सारी एशियन कंट्रीज को भी। और 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हम लोगों ने सारी गाइडलाइंस हमारे सारे मेडिकल प्रोफेशन को भेज दी थी। हम लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म किया था थ्रू पीएमओ ऑफिस। आई थिंक गवर्नमेंट जो एक्ट कर रही है वो सही कर रही है, हमें कहीं नहीं लगता डिले। हर सिचुएशन में आपको लगेगा जब भी एक्शन करोगे आपके पास चॉइस आएगी कि डिले है कि नहीं है, बट ये सोच के चलिए कि इस वक्त में हमारी कंट्री में सिर्फ 80 के करीब केसेस हैं, जबकि 10 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे 1000 केसेस ये क्रॉस कर गए हैं। तो वी आर इन ए गुड सिचुएशन, वी आर इन ए गुड पोजिशन। फॉर्चुनेटली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका, हमारी सारी कंट्रीज के अंदर में नंबर ऑफ केसेज जो है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। क्या कारण है किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारी कंट्री में सार्स भी नहीं आया था, हमारी कंट्री में मर्स भी नहीं आया था, प्रैक्टिकली इबोला हमारी कंट्री में नहीं आया, येलो फीवर ने कभी हमारे यहाँ दस्तक नहीं दी। हो सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर में अगर ये आता भी है तो ये जल्दी खत्म हो जाए। याद रखिए हमारी कंट्री में अभी ये 0.1 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि इटली के अंदर में 250 पर मिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम है। और अब हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि बच्चे बच्चे को आज की डेट में प्रिवेंशन के बारे में मालूम है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बीमारी को फैलना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी चूक जरूर हुई कल जो पेशेंट की डेथ का डिक्लेरेशन हुआ कि 4 दिन तक वो पेशेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता रहा, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाता रहा, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर में अब डिसीज एपिडेमिक डिसीज एक्ट लागू हो गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। डिजास्टर डॉक्टर अग्रवाल साहब मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक। जी हाँ, डॉक्टर रवि मलिक बच्चों के विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन जिन्हें कहा जाता है। डॉक्टर साहब, एक ही आम धारणा बन चुकी है कि कोरोना वायरस जो होगा वो बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा हावी होगा, तो हम चाहेंगे इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप उन्हें समझाएं, बताएं और ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर इसके बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शरद जी, फिर एक बार मैं आऊंगा, चूंकि बाजार जैसा कि मैंने शो शुरू करने के पहले ये कहा था कि इंसान के साथ साथ या इंसान से ज्यादा अगर देखा जाए तो इस महामारी का असर अर्थव्यवस्था पर होता दिख रहा है। शरद जी, सारी दुनिया में 148 लाख करोड़ का नुकसान आंका जा रहा है। भारत की अगर बात करें तो इसका जो असर है, नुकसान तो आज हो रहा है लेकिन ये कितना लंबा चल सकता है? बीमारी का इलाज मिल जाएगा, बीमारी थम जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था मुझे ऐसा लगता है कि इसको उठने, इसकी जो कमर टूटेगी, इसको सुधरने में काफी वक्त लगेगा। जी हां, आपने ठीक पकड़ा मनीष, क्योंकि अगर वायरस अगले एक दो महीने में उम्मीद करते हैं कि शांत हो जाएगा, और डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छी बात करी कि भारत में इसका असर बाकी देशों के मुकाबले जिस स्पीड से बाकी देशों में फैला था उस स्पीड से भारत में नहीं फैल रहा है, अभी भी भारत में कंट्रोल में है। जो आप शटडाउन देख रहे हैं मॉल्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सिनेमा हॉल्स का, वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह लिया जा रहा है। ऐसी कोई अभी सिचुएशन नहीं है कि आप बाहर सड़क पे निकले और आपको कोरोना हो जाएगा, आप किसी अपने दोस्त से मिले आपको कोरोना आ जाएगा, अभी ऐसी बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। पर अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मुझे लग रहा है उसी ट्रैक पर यह सरकार चल रही है। तो दो तरीके का असर मनीष, अगर मैं आपकी बात का सटीक उत्तर दूं तो दो तरीके का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका आएगा। पहला असर है वो भारत जो दुनिया का हिस्सा है, जो एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहां से जो निर्यात होता था मनीष, उदाहरण के तौर पर 9% मर्चेंडाइज चाइना जाती थी जो कि आज बंद पड़ी है। जितना भारत मर्चेंडाइज का आयात करता था 18% वो चाइना से आता था, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, बाकी जगह भी। तो इस समय एक तरह से एक सेल्फ इंपोज ट्रेड एम्बार्गो लग गया और कुछ देशों में तो शिपिंग लोड 75 से 80% तक कम हो गया। इसका मतलब सामान आ रहा नहीं है, सामान जा नहीं रहा। आप समझ सकते हैं अगर सामान आएगा जाएगा नहीं तो एक्सपोर्ट जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है, एक इंजन होता है। शरद जी, सामान आएगा जाएगा नहीं, लेकिन कोरोना बगैर बताए आ गया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, यानी कि थोड़ी देर की खामोशी का। आपसे जुड़ी हुई, आपके परिवार से जुड़ी हुई कोरोना को लेकर हर ताजा खबर, हर उसके बचाव की और सावधानी बरतने की जानकारी देश का सवाल में लगातार जारी है। आप कहीं जाइएगा मत। एक थोड़ी देर की खामोशी के बाद देश का सवाल में खास चर्चा, जी हां, कोरोना वायरस को लेकर चल रही चर्चा में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, जी हां, आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं जिन्हें पेडिट्रिशियन कहा जाता है। डॉक्टर मलिक, मेरा सवाल आपसे, एक आम धारणा मानी जा रही है कि कोरोना वायरस बच्चों और बुजुर्गों को ही सबसे पहले अपना निशाना बनाता है। हम चाहेंगे कि आप बताएं कि अगर ऐसा है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे उससे बचा जाए। डॉक्टर मलिक, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का जितना पैनिक फैल रहा है, जितना इसका डर फैल रहा है, जितना लोगों के ऊपर स्ट्रेस है, इतने स्ट्रेस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस जो है एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा नहीं है और अभी उस ग्रेड तक फैला भी नहीं है कि हम लोग एकदम से चिंताग्रस्त उसमें हो जाएं। और एक चीज और बता दूं कि 85% जो केस वो बहुत माइल्डली जो है आराम से जो है ओपीडी बेसिस के ऊपर ठीक हो जाते हैं। जहां तक प्रिकॉशंस की बात है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि हमारे को अपने हाथों को बड़े अच्छे से धो के रखना चाहिए। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक खुले पानी और साबुन के साथ हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति खांस रहा है और उस खांसी की वजह से उसका जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर किसी सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, चाहे वो कोई रेलिंग है, चाहे वो कोई डोर का हत्था है या कोई टेबल है, अगर उससे 30 सेकंड तक खुले पानी और साबुन के साथ हाथों को धोना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति खांस रहा है और उस खांसी की वजह से उसका जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर किसी सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, चाहे वो कोई रेलिंग है, चाहे वो कोई डोर का हत्था है या कोई टेबल है, अगर उसके ऊपर वो आ जाती है तो फिर अगर उसके ऊपर मरीज हाथ रखता है तो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकती है। सो सबसे पहली चीज तो यह है कि हाथों को अच्छे से क्लीन करके रखा जाना चाहिए, सैनिटाइज करके रखा जाना चाहिए। दूसरा, जिस भी व्यक्ति को खांसी होती है तो उसको जो है उससे हमारे को थोड़ा सा दूरी मेंटेन करनी चाहिए। जिसको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा है उससे कम से कम 1 मीटर की थोड़ी सी दूरी बरतनी चाहिए और बहुत ज्यादा, बहुत हैवीली क्राउडेड जगहों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा विशेष प्रिकॉशन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह है कि हैंड हाइजीन बड़ी अच्छी मेंटेन करनी चाहिए और रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है उसको भी मेंटेन करना चाहिए अच्छे से। डॉक्टर मलिक, बच्चों को लेकर जो एक धारणा है कि बच्चे इसके शिकार जल्दी होते हैं, फिर हम एक बार चाहेंगे कि बच्चों को लेकर कैसे सावधानी बरती जाए, आप संक्षिप्त में समझाएं। देखिए, बच्चों का जहां तक तैयार है, एज पीडियाट्रिशियन मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों का जहां तक सवाल है, बच्चों को हमें प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है वो थोड़ा सा बच्चों से डिस्टेंस मेंटेन करे। ये केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं है, किसी भी तरह के फ्लू में ये रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन हमें रखनी बड़ी जरूरी है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो जिसको भी खांसी जुकाम हो रहा है वो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, जो बच्चे हैं उनकी भी हमारे को हैंड हाइजीन जो है बड़े अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, सैनिटाइजर्स के साथ में या अच्छे से सोप एंड वाटर के साथ उनके हाथ, जो बड़े बच्चे हैं उनको बड़े अच्छे से हमारे को धोने चाहिए ताकि उनके ऊपर इन्फेक्शन नहीं आए। तीसरी चीज है, बच्चे बहुत समझदार होते हैं और हमारे को इनको हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए। ये वायरस किस तरह का है, इससे हमें बहुत ज्यादा नहीं डरना है और हमारे को रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है और हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। इसके अंदर रोल जो है वो टीचर्स का, डॉक्टर्स का, एनजीओज का, बहुत सारे लोगों का, हमारी जो नर्सेस वगैरह, इन सबका रोल जो है इसके अंदर काफी ज्यादा आता है कि जिसमें कि हमारे को बच्चों को हमारे को ये भी बताना बड़ा आवश्यक है कि इतनी ज्यादा पैनिक की स्थिति नहीं है, इतनी ज्यादा घबराहट की स्थिति नहीं है। डेफिनेटली एहतियात जरूर बरतने की आवश्यकता है ताकि ये बीमारी ज्यादा ना फैले, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी आएगी, तो जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनका प्रकोप आने वाले समय में कमी होगा, बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। जी, डॉक्टर मलिक आप बने रहें, आपके पास फिर मैं दूसरे सवालों के साथ लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात को डॉक्टर मलिक ने खत्म किया कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा, गर्मी क्या कोरोना को बेअसर कर देगी? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि एक नया वायरस है और इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से और रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं वो गर्मी के साथ कम हो जाते हैं, उसी तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वायरस भी समय के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे देशों में भी ये फैला हुआ है जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है और वहां पर भी ये अपना प्रकोप फैला रहा है, इसलिए अभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में इतनी नॉलेज अभी हुई नहीं। डॉक्टर माहेश्वरी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जहां तक बचाव को लेकर बात हो रही है, एक एक बातें, सावधानी बरतने की बात है, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कौन सा उपाय सबसे बेहतर, सुलभ और सहज है जो कि एक आम आदमी, आम इंसान अपने घर में इससे बचने के उपाय के रूप में कर सकता है? देखिए, सबसे सरल, सबसे आसान उपाय जैसे आप पूछ रहे हैं वो है अपने हाथों को साबुन और पानी से थोड़े थोड़े समय पे धोना। इससे अच्छा, इसमें ना कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ना कोई ऐसी चीज है जो कि बाजार में मिलना मुश्किल हो और ना ये करना मुश्किल है। बड़े हो चाहे घर में बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आप है, हर किसी को ये चीज बहुत जरूरी है। इस वक्त हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम इसको और आगे ना फैलने दें, तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समय समय पर साबुन जरूरी लगाना है और उसको 20 से 40 सेकंड अपने हाथों में रखना जरूरी है। और जैसे कई लोग, आपने देखा है कि हम लोग हथेली पे साबुन लगा के हाथ धो लेते हैं, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें उंगलियों पे और नाखूनों के नीचे साबुन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कीटाणु यहाँ पर होते हैं। तो अगर हम अच्छे से अपने हाथ धो रहे हैं, अगर हम और जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं उनको ले रहे हैं, तो हम लोग जरूर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, बेहद अहम जानकारी आपने दी। मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों दर्शक जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं, ये उनके बेहद काम की बातें यहां पर मौजूद पैनल के एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आपने सुनी, फिर एक बार मैं लौटता हूं आपकी जेब की तरफ। शरद कोहली जी, सरकार जो कदम उठा रही है अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए, आपको लगता है वो पर्याप्त कदम है? देखिये, जितने भी कदम मनीष उठाए जा रहे हैं उसमें जरूरी क्या था? जरूरी ये था कि वो सेंटिमेंट को इंप्रूव करे। सेंटिमेंट जो इस टाइम नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें पेसिमिज्म, निराशावाद जिसको हम कहते हैं, वो फैला हुआ है, उसको सुधारना बहुत जरूरी था। आज दो तीन कदम देखने को मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि करीब करीब 50 लाख के आसपास एम्प्लॉइज हैं, उनका 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। उसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी में कुछ फेरबदल किया गया है, एमएसपी कुछ पदार्थों पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हम देखें तो एक येस बैंक से जुड़ी भी खबर आई जिसकी वजह से मार्केट पहले सफर किया था। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें कि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग को आज अप्रूवल मिल गया, उसको सरकार ने ओके कर दिया, अब उसकी शीघ्र ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ये मैं माना कि ये कदम अच्छे हैं, पर अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। और जो सबसे ज्यादा इस समय करना बाकी है, जो डीए सरकारी एम्प्लॉइज के लिए मनीष किया गया है, वही लोगों की जेब में पैसे जाने वाली बात है, क्योंकि डिमांड इस समय बढ़ानी जरूरी है, जैसा कि योगेंद्र ने भी बताया। तो अगर ऐसे और कदम उठाए जाएं जिससे लोगों की जेब में पैसा जाए, चाहे वो जीएसटी कम करना हो, चाहे वो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स में और छेड़ाखानी करनी पड़ती है, तो जरूर करिए साहब, क्योंकि आपकी जेब में पैसा जाएगा तो आप सामान को खरीदेंगे, आप सामान खरीदेंगे तो वो बनेगा, खरीदेंगे नहीं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। कंजम्पशन और डिमांड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। शरद जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, योगेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। इस बीच में डॉक्टर अग्रवाल के पास फिर एक बार चलता हूं। डॉक्टर अग्रवाल साहब, आप एक संगठन के एशिया के, जी हाँ, एशिया के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस सैनिटाइजर और मास्क को लेकर बात की जा रही है, इसकी कालाबाजारी आप जैसे संगठन इसको कैसे रोक पाएंगे? आखिर आपको लगता है कि जिस तरह से इसकी डुप्लीकेसी शुरू हो गई है, बात की जाए सैनिटाइजर को लेकर तो बाजार में लगातार डुप्लीकेट सैनिटाइजर आ रहे हैं, मास्क की कालाबाजारी हो रही है, तो आखिर इसे कैसे रोकेंगे डॉक्टर अग्रवाल? जहां तक सवाल है सैनिटाइजर का, सिंपल सोप एंड वाटर सफिशिएंट है। बाकी आप अपने घर में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर बना के रोज सोल्यूशन बना दे और सरफेसेस को उसको अच्छे से पोंछ ले, तो आपकी सरफेसेस जो है वो डिकंटामिनेट हो जाएंगी। अगर आपको सैनिटाइजर घर में बनाना है तो बच्चों को बोलिए कि वो 100% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लें, उसका 60 ml में 40 ml एलोवेरा जेल डाल दें, तो आपका सैनिटाइजर बन जाएगा। हाथ धोने की टेक्निक बड़ी सिंपल है, सीधा, उल्टा, तो SU, मुट्ठी, A फॉर अंगूठा, N फॉर नाखून और K फॉर कलाई। याद रखिए, सुमन के, ये डॉक्टर माला है, ये इसको इस ढंग से सिखाती हैं कि SUMAN, सुमन के, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई, ऐसे साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जहां तक मास्क का सवाल है, आपको पहनने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को बीमारी है उनको सिंपल सर्जिकल मास्क पहनना है, जिसका जो हार्ड सरफेस है वो ऊपर है, बाकी का नीचे है। अगर आपके पास ये मास्क आपको सरकार की तरफ से सप्लाई होंगे अगर आपको खांसी जुकाम है, अदरवाइज आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपने ये घर का वैद्य, जिसे मुझे याद आता है कि आमतौर पर पहले जो इलाज होते थे पुराने समय में, वो घर का वैद्य यानी दादी नानी इस तरह के इलाज लेकर आती थी। जितने सहज तरीके से आपने ये उपाय बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि करोड़ों दर्शक जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं, ये उनके फायदे के लिए होंगे। डॉक्टर माहेश्वरी, आप कुछ कहना चाहती थी, मैं ये चाहूंगा कि आप इसी तरह से सुलभ और सहज, जो कि घर का वैद्य, जो कि आम आदमी अपने साथ हमेशा रखता है, उसका उपाय कर इससे बच सकता है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत जरूरी बात जो अभी लोगों के लिए समझनी है वो ये है कि मास्क हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। जो आम व्यक्ति हैं, जिन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिन्हें कोई खांसी जुकाम नहीं है, उनके लिए इस वक्त मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अफरा तफरी में भागे नहीं, मास्क खरीदने के लिए परेशान नहीं हो। अगर आपको मास्क नहीं मिल रहा है, मास्क इस वक्त उन लोगों के लिए जरूरी है जिन लोगों को ऑलरेडी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है, वो लोग मास्क लगाएं ताकि उनसे ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में ना जाए। जो ऐसे लोग हैं जो उन लोगों की केयर कर रहे हैं, जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, वो लोग मास्क लगाएं। और उससे ज्यादा जरूरी जो अभी हमारे लिए मास्क की जरूरत है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल में होता है, उनके लिए मास्क चाहिए। और जो जैसे एयरपोर्ट वाली जैसी जगह है जहां पर सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जो तरह तरह के लोगों से संपर्क में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मास्क इस वक्त जरूरी है। तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। मैं आपके पास आऊंगा इस वक्त। डॉक्टर मलिक, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। डॉक्टर अग्रवाल ने एक बात कही थी कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसे तमाम उपाय आ रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया है जो उल्टा पुल्टा जानकारियां देकर लोगों को भ्रमित भी कर रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, मैं ये चाहूंगा कि आप लाखों करोड़ों दर्शक जो इस समय इंडिया न्यूज देख रहे हैं वो समझें और जानें। डॉक्टर मलिक। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बीमारी के बारे में जानना सबसे आवश्यक चीज है, जिससे कि ये जितनी भ्रांतियां सोशल मीडिया के ऊपर फैल रही हैं और जितनी तरह तरह के चीजें फैल रही हैं उनको हम लोग समझ पाए उनमें से क्या चीज गलत है क्या सही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो आपने मुहिम शुरू की है, मीडिया के ऊपर बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कैसे प्रिकॉशन ली जाए, ये तो सबसे पहला स्टेप है, जिससे कि किसी भी हिसाब से जो है हमारे जो दर्शक हैं वो सोशल मीडिया से लेके तरह तरह के उपचारों को करना शुरू ना करें। साधारण सी चीज है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। आमतौर पे जितनी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं 5 से 7 दिन के अंदर जनरली बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाती हैं और जितनी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उन सभी की प्रिकॉशन एक ही है कि जिस भी मरीज को खांसी जुकाम है वो दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखें। मुझे मजबूरी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर एक बार हम लौटेंगे और आपके जीवन से, आपके परिवार के हर सदस्य से जुड़ी जानकारी, कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को भारत से भगाना है, देश का सवाल लगातार जारी है। बढ़ाऊं इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर, यूपी सरकार ने, यूपी कैबिनेट ने पब्लिक प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। राजनीतिक जुलूस या प्रदर्शन के दौरान नुकसान की करनी होगी भरपाई, प्रदर्शन में हिंसा करने वालों से सरकार करेगी वसूली। पोस्टर विवाद के बाद सरकार लेकर आई है यह अध्यादेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, एक बार फिर हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं कि आखिर कोरोना को कैसे भगाना है, कैसे हमारे आपके बीच में उसको हमेशा के लिए भगा देना है। हमारे साथ मेहमान हैं और मैं अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में हूं। योगेंद्र कपूर जी, अर्थव्यवस्था कब और कितने जल्दी ठीक होगी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस टाइम जो है गवर्नमेंट हो या आरबीआई, हमारे को फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जो है वो रीएस्टेब्लिश करने का टाइम है। आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव दिया है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से पैसा जो है विड्रॉ ना करे, क्योंकि ये डाउन द लाइन पर्कुलेट करता है। तो ये एक बहुत जरूरी है इस तरीके के स्टेप्स लेना, इससे क्या है कि ओवरऑल जो है एक जनरल सबको कॉन्फिडेंस आए। शरद जी, मैं सिर्फ जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में जो पीछे ब्लड बाथ में इफेक्ट हुए हैं उनको ये सलाह दूंगा कि कृपया पैनिक ना करें, आप अपना निवेश बनाए रखें, बल्कि कोई अच्छे स्टॉक्स में नया निवेश भी आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर माहेश्वरी। मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस से भी अभी पैनिक ना करें, घबराए नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। हाथों की सफाई का ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ जहां बहुत ज्यादा है वहां जाने से बचिए, अभी ट्रैवल मत करिए चाहे इंडिया में या बाहर, और जिन लोगों को खांसी सर्दी जुकाम है वो औरों से डिस्टेंस बना के रखें ताकि औरों को इन्फेक्शन। डॉक्टर मलिक, लास्ट कमेंट। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। एक तो अभी कुछ फैला भी नहीं हुआ, लेकिन ये समय आया थोड़ी प्रिकॉशंस ले लें, लेकिन पैनिक की कोई बात नहीं है। साधारण सा रेस्पिरेटरी वायरस है, मैं आपको ये बता दूं साधारण फ्लू जो है ये उसी तरह से आता है, चला जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मलिक, हम इतना ही कहेंगे कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन सारी दुनिया ने इसके बचाव के रूप में हमारी संस्कृति, हमारे अभिवादन को अपना लिया है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल।